नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे जयपुर के नजदीक सांभर झील की। सांभर झील राजस्थान के जयपुर से 80 किलोमीटर दूर स्थित एक खारे पानी की झील है। यह झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जब यह भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसमें 3 नदियां आकर गिरती हैं। भारत में नमक की सबसे बड़ी झील के लिए मशहूर सांभर लेक पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहां कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। सांभर झील में अनुमान है कि अरावली के शिष्ट और नाइस के गर्तों में भरा हुआ गाद ही नमक का स्रोत है। गाद में स्थित विलयशील सोडियम यौगिक वर्षा के जल में घुसकर नदियों द्वारा झील में पहुंचता है और जल के वाष्पन के बाद झील में नमक के रूप में रह जाता है। सांभर झील पूरे भारत में एक प्रसिद्ध स्थान है। इस झील की खास बात यह है कि यहाँ पर नमक उत्पादन होता है। यहाँ पर मीठा पानी नहीं है। यह पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक स्थल है। इस झील से नमक उत्पादन हेतु सांभर नामक परियोजना भी चलाई जा रही है। वर्षों का इतिहास रखने वाली यह झील रामसर साइट विश्व धरोहर में शामिल है। एक समय था जब इस झील में राजस्थान से ही नहीं बल्कि पंजाब व हरियाणा की नदियों से भी जल आता था, लेकिन आसपास में बांध एनीकट व अतिक्रमण के कारण नदियों का झील से संपर्क टूट गया। नतीजतन हालात यह पैदा हो गए कि पिछले 3 दशकों में यह झील कभी पूरी भर ही नहीं सकी। तो चलिए एक नजर झील के विस्तार पर डालते हैं। कैचमेंट एरिया 7500 वर्ग किलोमीटर, लंबाई 35.5 किलोमीटर, चौड़ाई 9.5 किलोमीटर, बारिश के दौरान 230 वर्ग किलोमीटर, परिधि 96 किलोमीटर, फैलाव जयपुर अजमेर सीकर नागौर तक, समुद्र तट से ऊंचाई 360 से 364 मीटर। सांभर में राजकुमार हिरानी की चर्चित फिल्म पीके के अलावा राकेश ओम प्रकाश मेहरा की दिल्ली 6, संजय लीला भंसाली की रामलीला, संजय दत्त अभिनीत शेर सहित कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। सांभर प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगहों में से एक है। अंग्रेजों के जमाने में इस रेलवे लाइन पर छोटी ट्रालीनुमा गाड़ियां ही चलती थी या फिर नमक ढोने वाले वैगन। आजादी के पहले सांभर नमक उत्पादन का केंद्र और समृद्ध कस्बा था। बाद में यहाँ के नमक व्यवसायी कोलकाता और मुंबई जा बसे। उनकी हवेलियां अब शूटिंग के काम आ रही हैं। राजा महाराजाओं के समय से ही प्रबल शासकों ने सांभर झील पर कब्जा करने का प्रयास किया। चौहान वंश का राज अजमेर से दिल्ली तक था और राजधानी सांभर थी। नमक के चलते झील के मध्य में स्थित माँ शाकंभरी को कुलदेवी माना गया। राठौड़ों ने राज्य विस्तार के चलते सांभर पर कब्जा किया। सवाई जयसिंह ने सांभर झील पर कब्जा करने का प्रयास किया। जयपुर व जोधपुर के बीच झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में दोनों के बीच आधी आधी झील का समझौता हुआ। इसका परिणाम यह है कि सांभर में आज भी जयपुर व जोधपुर के अलग अलग बाजार हैं। अंग्रेजों ने भी सबसे पहले सांभर झील पर कब्जा किया। उनकी यह शर्त थी कि उनके अलावा कोई भी नमक का निर्माण नहीं कर सकता। महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह क्षेत्र असुरराज वृषपर्व के साम्राज्य का एक भाग था और यहां पर असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य निवास करते थे। इसी स्थान पर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह नरेश ययाति के साथ संपन्न हुआ था। देवयानी को समर्पित एक मंदिर झील के पास ही बना हुआ है। अवैध बोरवेल के चलते तथा प्रवासी परिंदों को सुरक्षित रखने के लिए नरेश काद्यान द्वारा जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। एक अन्य हिंदू मान्यता के अनुसार शाकंभरी देवी, जो कि चौहान राजपूतों की रक्षक देवी है, ने यहां स्थित एक वन को बहुमूल्य धातुओं के एक मैदान में परिवर्तित कर दिया था। लोग इस संपदा को लेकर होने वाले संभावित झगड़ों को लेकर चिंतित हो गए और इसे एक वरदान के स्थान पर श्राप समझने लगे। लोगों ने देवी से अपना वरदान वापस लेने की प्रार्थना की तो देवी ने सारी चांदी को नमक में परिवर्तित कर दिया। यहां शाकंभरी देवी को समर्पित एक मंदिर भी उपस्थित है। तो दोस्तों, यह था किस्सा सांभर झील से जुड़ा हुआ।
आशा करता हूं आज का हमारा यह एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य किस्सों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प एवं ऐतिहासिक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।